पिछले वीडियो में हमने थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, वो सब बातें हमने की थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम या तंत्र के गुण। तो तंत्र के गुण क्या होते हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिए, तंत्र के गुणों को समझने के लिए जरूरी है कि तंत्र की हम अवस्था को समझें, कि तंत्र की अवस्था क्या होती है, यानी कि तंत्र में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है वो उसके गुण है। तापमान बढ़ रहा है, ताप एक उसका गुण हो गया, दाब दाब भी एक गुण है, आयतन उसका आयतन भी एक गुण है, यानी कि जिसे तंत्र को परिभाषित किया जा सकता है वो सभी क्या है, गुण है। तो चलिए, तो ये तंत्र के गुण जो है वो दो प्रकार की प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं मात्रात्मक गुणधर्म कहलाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर होते हैं यानी मात्रा पर डिपेंड करते हैं मात्रात्मक गुणधर्म कहलाते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, मात्रा पर निर्भर, यानी पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी तो ये गुण ज्यादा होंगे, पदार्थ की मात्रा कम होगी तो ये गुण क्या होंगे, कम होंगे। तो ये मात्रात्मक गुणधर्म मात्रा पर निर्भर करते हैं। दूसरे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज गहन गुण या विशिष्ट गुण, ये गुण विशिष्ट होते हैं, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। किस पर निर्भर नहीं करते, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है, यानी इनका मात्रा से कोई लड़ता नहीं है। पदार्थ के ये गुणधर्म जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मात्रा से इनका कोई लड़ा देना नहीं, इनका प्रकृति से कोई लड़ा देना नहीं, ये पूर्णतया मात्रा पर निर्भर है, इनका मात्रा से कोई लड़ा देना नहीं, मात्रा पर निर्भर नहीं होते, ये केवल प्रकृति पर निर्भर होते हैं। तो हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की। देखिए, मास है, मास एम द्रव्यमान, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आयतन हुआ, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एग्जांपल में बात करें, ताप हुआ, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दाब हुआ, घनत्व हुआ, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इधर देखिए, आप आयतन के अलावा देखिए, हम कहते हैं कि मुक्त ऊर्जा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आंतरिक ऊर्जा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इन्हें देखिए अपवर्तनांक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए, फिर देखिए आप ध्यान से मोलर मुक्त ऊर्जा मोलर एंथैल्पी, ये सब ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं, ये मात्रा पर निर्भर होते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान मात्रा पर निर्भर, पदार्थ जितना ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान उतना ज्यादा होगा, मात्रा पर निर्भर। आयतन, पदार्थ जितना ज्यादा होगा उसका आयतन उतना ज्यादा होगा। मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा पदार्थ में निहित ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा के पदार्थ में निहित ऊर्जा, तो पदार्थ जितना ज्यादा होगा उसके अंदर ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी।
उसकी एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होगी। ये तो ऊर्जा है जो पदार्थ के साथ कोरिलेट है, जितना ज्यादा पदार्थ होगा उसकी मात्रा जितना ज्यादा होगी ये उतनी ही ज्यादा होगी। मुक्त ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी, एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, आंतरिक ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते, ये जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर है। जैसे ताप है, ताप पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ये मात्रा पर निर्भर है। यानी एक लीटर जो है पदार्थ है उसका ताप भी 10 डिग्री हो सकता है, 100 लीटर का 10 डिग्री हो सकता है, तो इससे मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके ताप पे। तो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है इस रूम का टेम्परेचर, तो ये इतना सा रूम रहेगा तो भी इसका 25 डिग्री रहेगा, ये 10 गुना इसको कर दिया जाए तो 25 डिग्री रहेगा। दाब है, घनत्व है, घनत्व द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, तो घनत्व जो है वो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान है। अब पदार्थ हमने 100 क्विंटल ले लिया तो उससे घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि घनत्व तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगर पदार्थ की मात्रा भी बढ़ाते जाएंगे हम तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी उसका द्रव्यमान ही बदलेगा केवल, लेकिन उसका घनत्व नहीं बदलेगा। तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहते हैं, तो घनत्व भी क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। अपवर्तनांक हुआ, जैसे कांच का अपवर्तनांक, पानी में अपवर्तनांक, ये सब अलग अलग है। तो कांच जितना मोटा हो उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा है, तो कांच जो है वो कांच का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से अलग है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। नहीं, कांच पर निर्भर करती है, कांच किस टाइप का है उसके अपवर्तनांक उसी आधार पर होगा। मोलर मुक्त ऊर्जा, मोलर मुक्त ऊर्जा का मतलब एक मोल की मुक्त ऊर्जा। अब हमने अमाउंट डिसाइड कर दिया एक मोल, तो एक मोल की मुक्त ऊर्जा को मोलर मुक्त ऊर्जा कहते हैं। देखो मुक्त ऊर्जा जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा पदार्थ होगा मुक्त ऊर्जा उतनी उतनी ज्यादा होगी। अब मोलर की बात करें तो एक मोल की मुक्त ऊर्जा, अब पदार्थ कितना भी हो लेकिन मोलर मुक्त ऊर्जा तो एक मोल की होगी ना, तो वो तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। तो मोलर जिसके आगे में लग गया वो सभी प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कोई भी है उसके आगे मोलर लगा दीजिए, आपको इंटेंसिव जो है प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो विशिष्ट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, विशिष्ट गुण हो जाएगा। चलिए, तो ये बात हुई तंत्र के गुण। तंत्र के गुण दो प्रकार के हैं, कौन कौन से वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, देखिए तो ये तो हमने बात की कि सब गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है। स्टेट प्रॉपर्टीज और स्टेट वेरिएबल्स यानी अवस्था गुण या अवस्था चर, ये क्या होते हैं देखिए, इनकी हम बात करेंगे। इसको देखते हुए चलना, छोटी छोटी टर्म है ये क्या समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, कोई भी सिस्टम है हम उस सिस्टम को उसके गुणों के आधार पर ही परिभाषित कर सकते हैं, या कोई भी सिस्टम है वो गुणों पर निर्भर करता है। तो देखिए, अब मैं कहने जा रहा हूं, देखिए किसी भी सिस्टम के अगर गुण निश्चित होते हैं तो उसकी अवस्था निश्चित हो जाती है। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं, कोई भी सिस्टम है अगर जैसे एक रूम है, उस रूम में गैस भरी हुई है, ठीक है, तो अगर उसमें गुण निश्चित हो जाते हैं, यानी गैस बाहर से आ भी नहीं रही, जा भी नहीं रही, बाहर से कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, ठीक है, अब अंदर भी वो एडजस्ट हो गई, अब अंदर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, तो उसके गुण निश्चित हो गए। गुण निश्चित होने का मतलब ये हो गया कि सब जो है उसका तापमान निश्चित हो गया, तापमान एक गुण है निश्चित हो गया, अब उसका दाब निश्चित हो गया, अब उसका आयतन भी निश्चित हो गया, तो ये गुण निश्चित हो गए। तो ये गुण निश्चित होते ही सिस्टम जो है इसकी एक अवस्था निश्चित हो जाती है, ठीक है। अब ये अवस्था क्या होती है उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सर जैसे कोई एक सिलेंडर ले लीजिए, दोबारा से दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, सिलेंडर में गैस भरी हुई, गैस भर के हमने सिलेंडर को रख दिया, गैस उसमें अपने आप सेट हो गई। अब देखिए,
अब यह है कि वो सिलेंडर जो है उसमें गैस उपस्थित है, उस गैस का तापमान निश्चित हो गया, उस गैस का दाब निश्चित हो गया, उस गैस का आयतन भी क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो ये क्या है, उसके गुण है, ताप हुआ, दाब हुआ, आयतन हुआ, हमने बात की थी गुण है, कुछ एक्सटेंसिव होते हैं कुछ इंटेंसिव होते हैं। तो ये बात कर ली कि हमने गुण है निश्चित हो, जब किसी सिस्टम के तंत्र के गुण निश्चित हो जाते हैं तो उसकी अवस्था निश्चित हो जाती है, क्या हो जाती है, अवस्था निश्चित हो जाती है। तो ऐसे गुण जिनके आधार पर किसी सिस्टम की अवस्था, किसी सिस्टम को परिभाषित किया जा सकता है, मैं रिपीट कर देता हूं, ऐसे गुण जिनके आधार पर किसी सिस्टम को परिभाषित किया जाता है वो अवस्था गुण कहलाते हैं या अवस्था चर कहलाते हैं। मैं फिर से दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे गुणधर्म जिन पर सिस्टम की या किसी भी तंत्र की अवस्था निर्भर करती है या जिनसे किसी भी सिस्टम को परिभाषित किया जा सकता है, दोनों एक ही बात है कि ऐसे गुण जिन पर कोई भी तंत्र की अवस्था निर्भर करती है या ऐसे गुण जिनसे किसी भी तंत्र के को परिभाषित किया जाता है वो गुण स्टेट प्रॉपर्टी अवस्था गुण या अवस्था चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवस्था गुण या अवस्था चर कहलाते हैं, यानी वेरिएबल्स विच द सिस्टम डिपेंड्स ऑन वेरिएबल्स कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, यानी कि अवस्था चर वही कहलाएंगे जिन पर सिस्टम निर्भर करता है। चलिए, तो ये तो बात हुई अवस्था चरों की, कि अवस्था चर क्या होते हैं, अवस्था गुण क्या होते हैं। अब आगे बात करते हैं, दो चीजें हैं, अवस्था फलन और पथ फलन। देखिए आगे, देखिए हम थर्मोडायनामिक्स अवस्था चरों को, पथ चरों को हम फलन के रूप में लिखते हैं क्योंकि उनका समाकलन अवकलन जो है वो इसमें किया जाता है। समाकलन का मतलब होता है जोड़ और अवकलन का मतलब होता है घटा। तो अवस्था फलन और पथ फलन क्या होते हैं उसकी हम बात करें। देखिए, कोई भी तंत्र है, हम ये बता चुके हैं कि तंत्र की अवस्था उसके गुणों पर निर्भर करती है और जिन गुणों पर निर्भर करती है उनको हम अवस्था चर या अवस्था गुण कह देते हैं। अवस्था चर अवस्था गुण बहुत सारे होते हैं जिनके हमने विस्तृत और गैर गुणों में बात हमने कर ली थी। चलिए अब बात करते हैं अवस्था फलन और पथ फलन। तो ऐसे गुणधर्म जो किसी तंत्र प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं वो अवस्था फलन कहलाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि ऐसे गुणधर्म या ऐसे चर या ऐसे वेरिएबल्स जो किसी भी तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, यानी बीच में क्या हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अवस्था फलन कहलाते हैं। और ऐसे वेरिएबल्स जो किसी भी सिस्टम के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो वो कैसे गया है उस पथ पर निर्भर करते हैं वो पथ फलन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पथ फलन कहलाते हैं। तो अवस्था फलन और पथ फलन दोनों अलग अलग चीज है। देखिए, ये एक बड़ा टॉपिक है अवस्था फलन पथ फलन, किसी एग्जांपल्स के साथ हम समझाएंगे, तो हम इसको आगे जो है कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।